गाय मैंने पिछले बार दिखाई थी आपको, तो ये ना ब्याह गई है, और ये जो छोटी बछड़ी है ये ना उसी की है। और ये भी मैंने और छत के ऊपर देखी है, मतलब जो धान निकालते हैं, और ये चरदान वाला जो लाल धान दिखाया था मैंने उस टाइम, तो ये ना बैलों के नीचे निकालते हैं, इसलिए इसको पराल। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं सरुराना स्वागत करती हूँ आपका आज की न्यू वीडियो में। चले करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। और आज की वीडियो की शुरुआत मेरी शाम से हो रही है, शाम के लगभग हो रहे हैं 4:15। और अभी मेरे ब्लॉग में शुरुआत हो रही है, और आप देखेंगे मैं एकदम तैयार रखी हूँ। और अभी ना मैं जा रही हूँ बसंत नगर अपने मायके गाँव, और मेरे शायद मम्मी और मेरे बेटा और भतीजी सब जा रहे हैं, तो बने रहे वीडियो में, तब तक दिखाती हूँ आगे का सफ़र। तो चलिए हम निकलते हैं, और हमें छोड़ने के लिए जा रहे हैं बड़े वाले भैया, और नज़दीकी है यहाँ से, इसलिए वो अभी वापस भी आएंगे क्योंकि काम है होटल में, फिर तो वो जाएंगे हमको छोड़ने के लिए, क्योंकि फिर बहुत सामान हो गया था ना, तो फिर गाड़ी में जाने में दिक्कत होती है, तो इसलिए वो जा रहे हैं, तब तक बने रहिए वीडियो में। तो चलिए ओके, हाथ में डाल और किसने सिखाया तेरे को ऐसा, किसने सिखाया तेरे को ऐसा? प्रोला था, हम प्रोला से थोड़ा ऊपर आ गए हैं अभी, और ये है देवडुंग गांव। यहाँ पे ना हल्की सी धूप ही रह रखी है अभी, ये देखिए सामने देख सकते हैं आप पहाड़ी पे, ये न्यू आर लगा रखा है पेड़ में लोगों ने। संत जोसेफ स्कूल है यहाँ पे, रोड में गांव दिख रहे हैं और गांव में जाके, और अभी हम पहुंच गए हैं कोटी गांव में, ये है कोटी गांव। आजकल पूरे खेत खाली हो रखे हैं इधर को, क्योंकि आजकल धान तो कट गया, अब गेहूँ बोने की बारी है, तो गोबर भी डाल रखे हैं लोगों ने यहाँ पे। ये है कोटी का पूरा गांव। ये है मोलटाड़ी गांव, और मोलटाड़ी गांव में ना इंटर कॉलेज भी है, काफ़ी अच्छा है मतलब, और यहीं से मैंने इंटर कर रखा है। हम ना वहाँ के इधर साइड में पहुँच गए हैं, सामने दिख रहा है सुनारी गांव में, पान नवोदय दिख रहा है, उस वहाँ पे भी धूप रह रही है थोड़ा थोड़ा, पोस्ट ऑफिस भी यही है हमारा ये सामने। चीड़ के जंगल है पूरा, चीड़ के पेड़ है सारे, आगे हमारा गांव यहाँ पे, अभी हमें यहाँ पे जाना है, थोड़ी सी रह रखे हैं वहाँ पे, ऐसा शुरू होता है हमारा गांव यहीं से सामने से। जब वहाँ बैठ जाता, हाँ जा बेटा ना, पागल है उसको, ले उसको कर मारा। थोड़ा आगे तक जा रखे हैं क्योंकि भैया ने कुछ लाना है सामान, तो भैया अभी वापस भी जाएंगे, हमको ही छोड़ने आए थे यहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे कितनी, यहाँ पे दुकानें हैं हमारे गांव के, कुछ नीचे साइड में है इधर को देख सकते हैं,
और मौसम देखिए अभी हल्की हल्की धूप लग रखी है, आप पीछे देख सकते हैं, मतलब धूप ऊपर आ रखी थोड़ी सी डांडों में। और ये देखिए सूरज भी अब डूबने वाला है लगभग, और ठंडा भी काफ़ी हो रहा है गाँव में। रुक जा अशीमा, रुक क्या रन थोड़ा रुक जाता है मंगे। ये नीचे भी हमारे यहाँ की दुकान है, देखिए यार इधर काफ़ी ग्राउंड, पूरा ग्राउंड मतलब खाली है, इधर को देख सकते हैं आप। और यहाँ से हमने ना ये वाला रास्ते से जाना है ऊपर, अभी थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है हमारा घर मतलब नज़दीक। तो डुबू ना ऐसे ही आया था अभी अपने ताऊजी के साथ मतलब भैया के साथ, और ये ना अब जाने का नाम ले रहे क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं बहुत सारे, तो ये देख हाय बोल तो ना इसका भी यहाँ पे मन लग गया है और जाने का नाम ले रहे हैं, बैठ रहा है क्योंकि भैया को फिर अकेले जाना पड़ रहा नीचे, और क्योंकि इसकी बहन भी ऊपर यहाँ रखी है भतीजी, तो इसलिए ना रोड लग दी मेरे चाय में कल ने बोले लाल बड़ी दी मैं दूध बोल यार बड़ी चाय मैं खाया बोलू, तो इसलिए इसको देखते हैं सुबह अगर जाएगा तो सुबह भेजेंगे स्कूल के लिए, और नहीं तो फिर देखते हैं क्या होता है कल तक, उसका मन भी काम आना था। तो हमारा इधर मंदिर भी दिख रहा है हल्का सा उधर, क्यों नहीं गए थे ताऊ जी के साथ, मैं चलूंगा, क्यों नहीं चलूंगा। और इधर ना सब ने आजकल पशु छोड़ रखे हैं ये देखो चुगाने के लिए, क्योंकि आजकल ना फसल भी नहीं है खेत। ये देखिए जब कुछ दिन पहले मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया था इधर को कितनी हरियाली थी, पूरा मतलब इधर को धान था दाल थी दोनों साइड में, और आजकल पूरा खाली दिख रहा है, इधर पशु चुग रहे, कहीं बैल है कहीं भैंस है कहीं घोड़े खच्चर सब है, और रास्ता भी देखिए कैसे हो रखा आजकल, तो पूरा ना खाली हो रखा है आजकल। तो उधर प्लान है मतलब इसलिए पशु छोड़ देते हैं आजकल, कहीं भी चुग लेते हैं क्योंकि फसल तो खाली हो गई है। और इधर साइड है गांव, और सामने मंदिर की चोटी भी दिख रही है हमारी, इधर थोड़ा सा उधर ये वाला ये खड़ा आता है हमारे घर के बगल से, और यहाँ पे दिख रहा है हमारा घर, तो ये रास्ता है इतना चलना है हमने। और लेने को देखो तीन तो आगे एक और भी आगे चले गए, और पीछे से आ रहे मम्मी और भाभी। हाँ ये देखिए अभी हल लगाने को है, और यहाँ पे ये चाचा लोगों का खेत है, उन्होंने ना हल भी लगा दिया है एक बार का, और अभी गेहूँ मतलब बोने को हैं, तो अब इसके बाद ना गेहूँ बोए जाते हैं इन खेतों में, फिर से हरियाली होती है। और ये वाले में दिखाया था मैंने उस टाइम ककड़ी वगैरह कितनी थी लगी हुई, तो मैं ना दो दिन मैंने बाद आ रही हूँ यहाँ पे, तो इसीलिए मतलब खाली हो गया, उस टाइम मैंने यहाँ से एक ककड़ी भी निकाली थी। और ये छानी ना मैंने आपको उस टाइम दिखाई थी कि चाचा लोग मतलब छानी बना रहे हैं यहाँ पे, और उस टाइम आधी ही चिनाई हो रखी थी, और देखिए आज मतलब पूरा कर दिया चाचा लोगों ने, और अब तो इसके अंदर गाय भैंस आराम से रह सकती है, ये गौशाला है मतलब। ये देखिए गाय चुग रही है, ये भाभी लोगों की गाय है, और यहाँ से रास्ता ऊपर वाले रोड पे भी जाता है हमारे यहाँ, मतलब यहाँ से नीचे रोड पे जाता है, और यहाँ से चले हम फाइनली हम पहुँच गए हैं घर पे, फाइनली हम पहुँच गए हैं घर पे। हालांकि क्यों प्रणाम, एक काली शक्ल इसकी दूसरे काली, बड़े प्रणाम बड़ी प्रणाम टच प्रणाम, ये कौन मेरे बेटा ही प्रणाम आई पहले आज अन्य हों आज हों क्या टोपला पहले सब पुस्तक में ले अब रे दिन मंगाई पहले टोपला था। अरे हमारी क्यूट सी परी आजकल हो रखी है, देखिए यहाँ पे कितनी प्यारी है, ये गाय की जैसी है अपनी मम्मी की जैसी है ना, डर रही है अभी, कितनी प्यारी है देख सकते हैं आप, कितनी क्यूट है ये। और अभी ना इसको मतलब 10-12 दिन हुए हो रखे, मतलब 10-12 दिन पहले भी आए वो गाय, जिस गाय को मैंने उस टाइम दिखाया था, तो उसकी छोटी सी बछड़ी हो रखी है। अरे देखिए इतनी खुश हो रखी ना ये निशा, आज ना काफी टाइम बाद आई है घर को, और डुगू भी कितना खुश हो रखा, चिल्ला क्यों रहे तुम, क्यों खोला था उसको। और गाय देखो कितनी शांत है, मतलब ये आराम तक इसको बांध सकता है गाय को, देखिए कितना शांत है। अरे देखिए कितनी चिल्ला रही है, कितनी खुश हो रखी,
घर आने पे। अबे ये क्यों चिल्ला रही है? क्या हो रहा इतनी खुश? चिल्ला चिल्ला के थक गई। और ये वाली गाय मैंने पिछली बार दिखाई थी आपको, तो ये ना ब्याह गई है। और ये जो छोटी बछड़ी है ये ना उसी की है। और ये भी मैंने पिछली बार दिखाया था, ये चाचू लोगों की भैंस ही बहन थी, तो उसका और खाई है कटड़ी उसकी है। और देखिए धूप भी चले गई है, अंधेरा भी होने लग गया हल्का फुल्का। और मम्मी यहाँ पे बैठ गई है। और देखिए ये वाले खेत में मैंने आपको पिछली बार मंडवा दिखाया था, तो ना ये भी अब खाली हो गया है। तो इसमें भी अब मतलब कुछ भी मटर वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। इसके बाद मक्की भी ख़त्म हो गई है और वो भी ख़त्म हो गया है, मतलब मंडवा भी निकाल दिया है। तो इसके बाद इसमें हल लगाएंगे। और मिर्च दिखाई थी पिछली बार, तो मिर्च अभी भी थोड़े से यहाँ पे रह रखी है, उधर वाली तो ख़त्म हो गई, इधर वाले थोड़े से रह रखी है मिर्च। और पूरे खेत खाली हो रखे हैं अभी यहाँ पे। और इधर पूरी बेल थी, उनके लुंगले थे, मतलब पूरे कद्दू के बेल, वो भी सब निकाल दिए हैं, पूरे खाली हो रखे पूरा। और ये सेरा है, पिछली बार कितना ग्रीन लग रहा था, इस बार पूरा। और छत के ऊपर देखिए, मतलब जो धान निकालते हैं, और ये चरदान वाला जो लाल धान दिखाया था मैंने उस टाइम, तो ये ना बैलों के नीचे निकालते हैं, इसलिए इसको परालठी बोलते हैं हमारे भाषा में। ये परालठी लगा रखी छत के ऊपर, क्योंकि नीचे अभी दिखाया मैंने आपको कि पूरे मतलब पशु वगैरह छूट जाते हैं, तो वो खा जाते हैं पूरा। तो इसलिए ना ये देखिए 1 2 3 4 5 इतना सारा लगा रखा घास, तो ये पूरा कूटा पूरा कर रखा है, मतलब अब उसके टाइम के लिए, उनके महीने के लिए, पूछ के मैंने। जैसे अब बर्फ़ पड़ती है ना इधर को, तो बाहर जाना बहुत मुश्किल होता है, और मतलब होता ही फिर, और घास भी हरा हुआ नहीं होता है, तो इसलिए उस टाइम पे काम आता है, अंदर ही अंदर रहता है उस टाइम। बाहर तो बर्फ़ भी पड़ती है और बारिश भी इतनी होती है, तो इसलिए तब के काम आता है। तो इसलिए वो बिल्ली भी मतलब अंदर रखी हुई है, और ये बाकी पराल लगा रखा है ऊपर खेतों में। और इधर को ना जंगल जाते हैं भाभी लोग, इधर सामने वो मैंने पहले भी दिखाया था आपको यहाँ पे। तो आजकल सिर्फ ये पेड़ जो, तो हम ना घर पे अभी पहुँच गए हैं, और अब हल्का सा अंधेरा भी होने लग गया है क्योंकि धूप तो चली गई है। तो आज की वीडियो को ना यहीं तक रखते हैं, तो मिलती हूँ आपको एक नई वीडियो में नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाय बाय। जनवरी फरवरी मार्च।